मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। किसी नंबर का 0.6 ओरिजिनल नंबर से 20 लेस है। लेस का मतलब कम है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। So let the original number is equal to x, ठीक है? Then according to question, क्या है उस नंबर का 0.6? Of है, of का मतलब मल्टीप्लाई। तो 0.6 into x equal होगा original number से 20 less, ठीक है? अब स्टूडेंट इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और इनटू में x, तो 6 इनटू x 6x, और पॉइंट को रिमूव किया तो इसके नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू x माइनस 20। अब स्टूडेंट ये जो 10 यहां डिवाइड में है, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। सो 6x इज इक्वल टू 10 इनटू x माइनस 20, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 6x इज इक्वल टू 10 इनटू x 10x माइनस 10 इनटू 20 200। नाउ अब इस 10x को इस साइड ट्रांसपोज कर दो, प्लस का है तो माइनस का होगा, तो 6x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 200। 6x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 200। माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 200। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 4 है वो यहां मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 50। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया 50। तो वो जो नंबर था स्टूडेंट वो हमारा है 50। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, नोट इट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला कि अ पॉजिटिव नंबर इज 3 टाइम्स अनदर नंबर। पॉजिटिव नंबर है वो अनदर नंबर का 3 टाइम है, तो हमें अनदर नंबर पता नहीं है, पहले उसको कंसीडर करेंगे। सो लेट अनदर नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इसका 3 टाइम, तो पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 3x, ठीक है? अब आगे क्या बोलता है कि इफ 3 इज एडेड टू स्मॉलर नंबर द डिफरेंस बिटवीन न्यू नंबर एंड ग्रेटर नंबर बिकम्स 31। देखो जो स्मॉलर नंबर है उसमें 3 ऐड करना है और जो ग्रेटर नंबर है उसका डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटर नंबर क्या आपके पास 3x, डिफरेंस बिटवीन मतलब माइनस, और जो स्मॉलर नंबर है उसमें 3 ऐड करना है तो x प्लस 3, ठीक है ना? इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलता है 31, ठीक है? तो इज इक्वल टू 31। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3x माइनस, ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का x और माइनस 3 इज इक्वल टू 31, ओके? अब 3x माइनस x आपका आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 31। माइनस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 31 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 34। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, x के इक्वल में आ गया 70। अब देखो x क्या था आपका, अनदर नंबर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर अनदर नंबर इज इक्वल टू 70, और पॉजिटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू इसका 3 टाइम, तो 3 इंटू 70, तो ये आपके पास कितना जाएगा 51। तो पॉजिटिव नंबर क्या आ गया आपका 51। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट।
अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड भी दिया है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 14। यानी कि कोई टू डिजिट नंबर है, उनकी डिजिट्स का जो सम है वो कितना रहा है, 14 आ रहा है। जैसे 86, ये आपका टू डिजिट नंबर है और इनकी डिजिट्स का सम यानी कि 8 + 6 कितना हो रहा है, 14। तो इस तरीके से हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का जो सम है वो 14 आ रहा है। ठीक है, सो लेट वंस प्लेस डिजिट बी एक्स, जो टू डिजिट नंबर है उसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपकी क्या है, एक्स है, ये हमने कंसीडर किया है। एंड टेंस प्लेस डिजिट बी 14 - x, 14 - x क्यों लिया, क्योंकि वंस प्लेस और जो टेंस प्लेस डिजिट है उनको एड करूंगा तो मेरे को कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, जैसे कि इसमें। ठीक है, अब स्टूडेंट हम ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। नाउ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4 में बताया था, जो यूनिट पैलेस में होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × x, और जो 10 प्लेस पे होता है उसको 10 से करते हैं, तो 10 × 14 - x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 10 × 14 = 140 - 10 × x, 10x और प्लस में x, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो आ गया 140 - 9। ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18, यानी कि इन डिजिट्स को आप रिवर्स करेंगे, दैट मींस जो यूनिट प्लेस पे है उसको हम 10 प्लेस पे ले आएंगे और जो 10 प्लेस पे है उसको हम यूनिट प्लेस पे लेके आएंगे, तो आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्स करने पर वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या होगा, वंस प्लेस पे होगा 14 - x एंड टेंस, ठीक है, एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इनको हमने रिवर्स कर दिया है, अब जो इनसे जो नंबर निकल के आएगा यानी कि जो डिजिट निकल के आएगी उसको मैं नाम दे देता हूं रिजल्टिंग नंबर या फिर न्यू नंबर भी बोल सकते हैं, वो क्या आएगा, यूनिट प्लेस में क्या है 14 - x, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे है ये, और जो 10th प्लेस पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें x है तो हम इसको 10 × x लिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू 14 - x, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस में 10x, अब हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू 14 - 9x, प्लस का 9x। ठीक है, ये आपका रिजल्टिंग नंबर या फिर इसको न्यू नंबर भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 18, यानी कि जो नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर से लेस देन है और कितना, 18 बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर क्या है, 140 - 9x, और लेस देन का मतलब इसमें माइनस करेंगे, 14 + 9x इज इक्वल टू 18। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 140 - 9x
और माइनस का 14 और माइनस का 9x इज इक्वल टू 8। अब ये कम कर दो, आपके पास आएगा 126 और माइनस का 18x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये इस साइड लेके आएंगे और माइनस 18 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो 18 को इस साइड लेके आओ तो प्लस का होगा, तो प्लस 18x इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आओ तो 126 माइनस 18, सो 18x इज इक्वल टू आ गया 108। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 18 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 108 अपॉन 18, ये कट गया 6 टाइम, तो x के इक्वल में आ गया 6। अब x किसको कंसीडर किया था, जो वंस प्लेस डिजिट है उसको किया था, तो देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू कितना है 6 है, और 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू कितना है आपका 14 माइनस एक्स, दैट इज 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो वंस प्लेस में जो डिजिट थी वो आ गई 6 और 10 प्लेस में डिजिट थी वो आ गई 8, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना था, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू यूनिक प्लेस पे क्या है 6 और 10 प्लेस पे क्या है 8, तो 86। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके गाइस, यस गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। 4 में बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर देन 5। किसी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 लेस देन है, सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से 5 लेस देन है तो एक्स माइनस 5। ठीक है, अब आगे क्या होना है, इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द न्यू नंबर बिकम्स 11/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यूमरेटर में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो x प्लस 5 होगा, न्यूमरेटर में ही 5 ऐड किया है, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा तो अपॉन में x माइनस 5। द न्यू नंबर बिकम्स 11/6, तो जो न्यू नंबर है वो आ गया 11/6। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल रेशनल नंबर। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 को इसके साथ कर दो तो 6 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 5 30 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स 11x माइनस 55। अब देखो 6x को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो 11x 6x इस साइड आएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस का 6x इज इक्वल टू 30। अब देखो 55 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 55, 11x माइनस 6x तो 5x इज इक्वल टू 30 प्लस 55 आपका हो जाएगा 85। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 85 अपॉन 5। अभी आपका कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 7। तो जो आपके पास न्यूमरेटर था वो कितना आ गया 17। अब डिनोमिनेटर कितना आएगा, देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू आ गया 17 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17 माइनस 5 दैट इज 12। तो हमें बताना था फाइंड द ओरिजिनल रेशनल नंबर, तो देयरफॉर ओरिजिनल रेशनल नंबर विल बी, न्यूमरेटर है 17 और डिनोमिनेटर है 12।
तो 17 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 में बोला है, कार रेंटल कंपनी चार्जेज ₹500 अ डे एंड ₹8 पर किलोमीटर फॉर रेंटिंग ए कार। कोई कार कंपनी है जो एक दिन का किराया इतने रुपए लेता है, पर किलोमीटर का ₹8। प्रकाश रेंट्स ए कार फॉर 2 डेज। प्रकाश है वो कार को 2 दिन के लिए किराए पर लेता है। एंड हिज बिल कम्स टू 1644 और इतना उसके पास बिल आता है। हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव, हमें बताना है कि उसने कितने किलोमीटर ड्राइव किया। सो लेट प्रकाश ड्राइव द कार इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। हमने माना कि प्रकाश ने एक्स किलोमीटर कार को ड्राइव किया। अब कितने दिन के लिए कार लेता है, वो 2 दिन के लिए रेंट पे लेता है। सो रेंट फॉर 2 डेज इज इक्वल टू 2 × पर डे का 500, हमारे पास आ जाएगा ₹1000, ठीक है। अब हमें टोटल बिल कितना पे करना होता है, 1644। तो टोटल रेंट इज इक्वल टू 1644। अब बात को समझना, ये जो 1000 है ये तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। टोटल रेंट में ये जो 1000 है वो तो है फिक्स चार्ज, प्लस कितने किलोमीटर ड्राइव करता है, x किलोमीटर। पर किलोमीटर का कितना रेंट है, ₹8 इज इक्वल टू 1644, ठीक है। ये चार्ज तो फिक्स है, ये किलोमीटर है और ये पर किलोमीटर के आपके रुपीज है, ठीक है। अब इस 1000 को इधर शिफ्ट कर दो, 8 × x आपका बन जाएगा 8x और ये हो जाएगा 1644 - 1000। तो देयरफॉर 8x इज इक्वल टू आ गया 644। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x इज इक्वल टू 644 डिवाइडेड बाय 8, ये कट जाएगा आपका। x इज इक्वल टू आएगा 80.5 किलोमीटर, यानी कि प्रकाश ने उस कार को कितना किलोमीटर ड्राइव किया, 80.5 किलोमीटर, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। ₹400 इज डिवाइडेड बिटवीन अमन, राकेश एंड रीटा। ₹400 को इन तीनों के अंदर डिवाइड किया जाता है। इफ अमन गोट ₹40 मोर देन राकेश एंड राकेश गोट ₹30 मोर देन रीटा, फाइंड द अमाउंट्स ईच ऑफ देम हैव गोट। प्रत्येक को कितना अमाउंट मिला है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले रीटा को कितना अमाउंट मिला है उसको कंसीडर करें। लेट रीटा गॉट अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है। उसके बाद राकेश को लेते हैं, राकेश गॉट अमाउंट इज इक्वल टू रीटा से कितना ज्यादा बता रहा है, ₹30, तो आ जाएगा एक्स प्लस 30। अब लास्ट में लेते हैं अमन को, अमन गॉट अमाउंट इज इक्वल टू इसको कितना मिलता है, राकेश से ₹40 ज्यादा, तो एक्स प्लस 30 और प्लस 40, ठीक है। और टोटल रुपीज कितने हैं, 400, तो इन तीनों को ऐड कर दो और इज इक्वल टू क्या लिख दो, 400। तो x plus 30 plus 40 70 और इज इक्वल टू 400। x 1 2 3 3 times x तो 3x plus 30 plus 70 100 इज इक्वल टू 400। इसको अदर शिफ्ट कर दो, 3x इज इक्वल टू 400 - 100, 3x इज इक्वल टू आ गया 300। x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो x इज इक्वल टू 300 ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, अपॉन में 3 कट गया, x इज इक्वल टू आ गया
हंड्रेड, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब x क्या है, रीता को कितना अमाउंट मिला वो है, तो देयरफॉर रीता गॉट अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड, और राकेश को कितना मिलेगा, रीता से 30 रुपीज, तो राकेश गॉट अमाउंट इज इक्वल टू 130, इसमें 30 ऐड कर दिया, और अमन गॉट अमाउंट इज इक्वल टू राकेश से 40 रुपीज ज्यादा है, तो इसका मतलब 170, ठीक है, इधर लगा दो चाहिए ऐसे लिख दो रुपीज, एक ही बात है, तीनों को ऐड करके देख लो आपको 400 ही मिलेगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।